कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों कमेटियों में, तो परिवारवाद को चरितार्थ करने वाली कमेटी है। लेकिन एक बात जरूर मुझे ध्यान में आती है कि कमलनाथ जी ने चोट कर दी है दिग्विजय सिंह जी के साथ। वैसे ये उनके आंतरिक मामले हैं, कौन कांग्रेस किसको बनाती है नहीं बनाती इससे हमारा कोई बहुत सरोकार नहीं। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है, तो एक तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है, तो दूसरे परिवारवाद की गारंटी है। उनकी कमेटियों में भी जो दिखाई देता है कि बेटा भी पिता भी कमेटी के अंदर है, तो बेटा भी उसके अंदर है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों कमेटियों में, तो परिवारवाद को चरितार्थ करने वाली कमेटी है। लेकिन एक बात जरूर मुझे ध्यान में आती है कि कमलनाथ जी ने चोट कर दी है दिग्विजय सिंह जी के साथ, क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर गांधी परिवार, मध्य प्रदेश के अंदर दो परिवार, कि कमलनाथ जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन कमेटियों में मुझे ध्यान में जो मैं देखने को मिलता है कि नकुलनाथ तो हैं लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बेटे नहीं है। बड़ी चोट कर दी है कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।